हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा नमस्कार। वंदनाज रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मशरूम के पकौड़े। ये पकौड़े ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि मशरूम के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मशरूम के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए मशरूम। यहाँ मैंने बटन मशरूम लिया है, ये थोड़े बड़े साइज के हैं। इसके अलावा बेसन, तेल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, जीरा, गरम मसाला, कसूरी मेथी और धनिया पाउडर। आज हम इन्हीं सब चीज़ों की सहायता से अपने मशरूम के पकौड़े बनाएंगे। सबसे पहले हम पकौड़े का घोल तैयार करते हैं। यहाँ मैंने लगभग 1 कटोरी बेसन लिया है, उसी में थोड़ा सा जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा, और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथों से अपने थोड़ा सा मसल के अपने बेसन में डाल देंगे। अब हम पानी की सहायता से अपना घोल तैयार करेंगे। बेसन का घोल में पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। हमें इस घोल को ना तो बहुत पतला रखना है और ना ही एकदम मोटा रखना है। आप देख सकते हैं घोल हमारा तैयार है। अब हम अपने मशरूम को लेंगे। मशरूम को मैंने पहले ही 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धुल लिया है। अब हम मशरूम को लंबा लंबा काटेंगे। आप देख सकते हैं मैंने मशरूम को लंबा लंबा पतला पतला काटा है। इस तरह से हमने अपने मशरूम को काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम पकौड़े बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उस पे अपने कढ़ाई को रखेंगे और उसी में अपने रिफाइंड तेल को डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो आंच हम थोड़ा धीमा कर देंगे। अब हम एक एक मशरूम को उठाएंगे और उसे पकोड़े के घोल में, बेसन के घोल में डुबोएंगे अच्छे से। और उसे गरम तेल में डाल देंगे एक एक करके। पकोड़ों को नीचे से हम अच्छे से सेक लेंगे। जब ये पकौड़े अच्छे से नीचे से अपने आप फ्राई हो जाते हैं तो ये छोड़ देते हैं। तेल से ये ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए हमने इन्हें पलट लिया है, दूसरी तरफ भी हम इसे क्रिस्पी फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से उलट पलट कर हम इसको फ्राई करेंगे। मशरूम के पकोड़े बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। क्योंकि हमने इसे पतला पतला चिप्स के जैसा ही काटा है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।
ये हमारे पकौड़े अब दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी पकौड़े भी अपने तल लेंगे। तैयार है हमारे मशरूम के पकौड़े, जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रंची बने हैं। आप एक बार इस तरह से मशरूम के पकौड़े जरूर बनाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।